जयपुर पुलिस ने क्रिकेट के सट्टे के खिलाफ किशन पोल बाजार में कार्यवाही करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4,19,00,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। जयपुर में सट्टे के खिलाफ पकड़ी गई इतनी बड़ी रकम की कार्यवाही पहली है, जहां पर नोट गिनने के लिए 2 मशीनें भी मिली हैं। साथ ही आरोपियों से 9 मोबाइल व 30 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलते हुए मिले, जिनके जरिए यह सारा नेटवर्क चल रहा था, जिसके जरिए क्रिकेट सट्टा लगाने की ऑनलाइन साइट की आईडी पासवर्ड एक दूसरे को भेजे जाते थे। आरोपियों ने देवी देवताओं और जयपुर के बड़े मंदिरों के नाम से ग्रुप बना रखे थे। सट्टे के लेन देन की बातें भी कोड वर्ड में की जाती थी। एसीपी मेघचंद मीणा ने बताया कि दुबई में बैठने वाला व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप पर सट्टे के बारे में जानकारी भेजता था। इसके बाद यहां पैसे के पैकेट आते थे, जो सट्टा जीतने वाले लोगों को सप्लाई किए जाते थे। 4 लोगों के पास जो मोबाइल मिले हैं, उनमें सबसे पहले रोकी फाइन का व्हाट्सएप अकाउंट मिला है। इसमें फाइन एक्सचेंज की डीपी लगी थी, जो कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने की साइट है। इसमें क्रिकेट मैच पर लगे सट्टे के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों में रणधीर सिंह, जो राजकोट निवासी हैं, और कृपाल सिंह, अजमेर किशनगढ़ के निवासी हैं, जो आपस में रिश्तेदार भी हैं। 2 अन्य आरोपियों में भाकरोटा निवासी टोडरमल राठौड़ व झुंझुनू के मुकंदगढ़ निवासी ईश्वर सिंह शामिल हैं। इन्हीं से 4,19,00,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड राकेश राजकोट दुबई में बैठकर देश के कई राज्यों में डायमंड एक्सचेंज वेबसाइट के जरिए आईडी पासवर्ड के माध्यम से सट्टा लगवाता था। इस सीजन में सबसे ज्यादा सट्टे इसी वेबसाइट के जरिए लगाए गए। आरोपी रणधीर राकेश से लाइन होकर रिश्तेदार आरोपी कृपाल के सहयोग से फाइन एक्सचेंज नाम से खुद लाइन चला रहा था, जो राजस्थान और गुजरात में कई लोगों को सट्टा खिला रहे थे।